आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब भी आप पानी की मोटर है उसकी लाइन भरते हैं, फिर भी पानी की मोटर पानी नहीं उठाती है या फिर पानी नहीं खींचती है, या फिर कई बार ऐसा होता होगा कि आपको बार बार लाइन भरनी पड़ती है। तो आज मैं आपको इस समस्या का समाधान देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यदि आपकी पानी की मोटर पानी नहीं खींचती है, तो सबसे पहले जहाँ से पानी खींचने वाला पाइप है वहाँ के जो ये दोनों बोल्ट है इसको यहाँ पे खोलना है, और खोलने के बाद इसका जो NRV है जिसको फुटबॉल बोल सकते हैं इसको यहाँ पे आपको बाहर निकालना है। बाहर यहाँ पे आपको ध्यान से निकालना है, और निकालने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अंदर कचरा आया होगा। यदि कचरा है तो आपको उसको निकाल देना है, और यदि कचरा नहीं आया तो यहाँ पे आपको बाल्टी के अंदर इस प्रकार से इसको उल्टा करके चेक करना है कि इसके अंदर से पानी नीचे गिरता है या नहीं। यदि गिरता है तो यहाँ पे जो NRV है वो ख़राब हो चुका है, आप मार्केट से दूसरा ला के इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सही है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर कचरा भी नहीं है और यहाँ पे ये NRV ये भी ख़राब नहीं है। यदि ख़राब है तो मार्केट से दूसरा ला के हम इसी प्रकार से वापस इसको लगा सकते हैं। जब यहाँ पे आप लगा लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे आपको इसको सही से फिट कर लेना है, और फिट करने के बाद उसको यदि फिर भी यदि पानी नहीं खींचता तो इसका मतलब ये भी है कि आपका ये जो पाइप है वो कहीं से लूज है जिससे कि हवा खींच लेता है। तो यहाँ पे इस पाइप को आपको काट के सही से और वापस फिट बैठाना है, कहीं भी लूज नहीं होना चाहिए। और ये भी चेक कर लेना है कि कहीं से ये टूटा या फूटा हुआ तो नहीं है, यदि है तो आपको उसको भी बदल देना है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइन भरते हैं तो जहाँ से इनपुट है वहाँ से आपको लाइन भरनी है, आउटपुट से नहीं भरना। मतलब जो पतला वाला पाइप है वहाँ से आपको पानी नहीं भरना है, जहाँ से पानी खींचती है वहाँ से आपको लाइन भरनी है जिससे कि मोटर के अंदर जो लाइन है वो बढ़ती है। यदि आप ऊपर से पानी भरते हैं पतले वाले पाइप से पानी भरते हो तो लाइन नहीं भरती, उसके अंदर हवा भर जाती है। तो आपको क्या करना है कि पीछे से मतलब जहाँ से पानी खींचता है ना वहाँ से आपको लाइन भरनी है, और उसके बाद आप अपनी मोटर को चालू करके देख सकते हैं कि आपकी जो मोटर है वो 100% पानी देगी, 100% पानी खींचना शुरू हो जाएगी यदि आपकी मोटर से कहीं पानी लीकेज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर सही हो चुकी है, क्योंकि इसका जो लाइन है उसके अंदर हवा भर गई थी जिससे कि पानी ये नहीं खींच रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस पाइप को निकालता हूँ फिर भी ये जो मोटर है वो पानी खींच लेती है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।